हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास लावा का मोबाइल है और आपके मोबाइल में यहाँ पे ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप एंड डाउन का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे अपने आप आपके मोबाइल में वॉल्यूम ज़्यादा कम ज़्यादा होने लगता है। जब आप लोग यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब में, तो उसी टाइम जो है आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि कई बार जो है सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। तो इसको आपको कैसे ठीक करना है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि नहीं है उसको आपको चेक करना है। तो आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाके सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि नहीं है। और अगर आ चुका है और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह का ग्लिच आता है आपके मोबाइल में, तो वो जो है सॉल्व हो जाता है अपडेट करने के बाद। और अपडेट करने के बाद ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे जो है ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल को एक बार जो है स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, या तो फिर अपने मोबाइल को एक बार रिसेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी करने के बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल में यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कंट्रोल का सेटिंग आपने किया हुआ है और जो है उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है अपने मोबाइल में, ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग डिसेबल कर लीजिए। और जो है हो सकता है कि आपके मोबाइल का जो वॉल्यूम बटन है वो यहाँ पे डैमेज हो चुका है, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे अपने आसपास के मोबाइल शॉप में जाके आपके मोबाइल में वॉल्यूम बटन को जो है चेक करा लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से सॉल्व हो जाता है।